मैंने जो अपनी प्रिपेरेशन की 4 से 5 महीने में कर ली एंड मैं माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्न के लिए अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर लोग ये सोचते हैं कि अगर तुम 4-5 महीने कर लोगे अच्छे से तुम लोग अच्छी जगह पहुंच जाओगे, बट विच इज नॉट द केस। वॉट आई डिड वॉज अ लॉट ऑफ कोडिंग इन अ लेस नंबर ऑफ टाइम। जा हर कोई सकता है, द ओनली थिंग इज अबाउट टाइम। आजकल काफी लोग मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया कितनी देर में मैं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल ये सब क्रैक कर सकता हूं। काफी बार मेरे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं कि भैया आपने कैसे क्रैक किया, या सर आपने क्या किया जो आपने इतने कम टाइम में एक अच्छी कंपनी क्रैक कर। सब चाहते हैं कि वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाए। इसके लिए वो लोग ये देखते हैं कि कितना टाइम मुझे प्रिपेरेशन के लिए चाहिए या मैं कितनी देर में एक्सपर्ट बनूंगा इन कोडिंग। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और मैं इसी का जवाब देने वाला हूं कि कैसे और कितनी देर में तुम लोग एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो। हाय गाइस, आई एम नमन, आई एम करंटली अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एंड आई विल सून बी जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट एज एन SD। अब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने वाला हूं मैं। तो काफी लोगों के क्वेश्चन बन ही जाते हैं कि भैया आपने माइक्रोसॉफ्ट कैसे क्रैक की या कितने टाइम में प्रिपेरेशन की। तो मैं अगर मेरा आंसर दूं, मैंने जो अपनी प्रिपेरेशन की 4 से 5 महीने में कर ली एंड मैं माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्न के लिए अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 4 से 5 महीने मेहनत के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के अंदर जा चुका हूँ। फिर लोग ये सोचते हैं कि अगर तुम 4-5 महीने कर लोगे अच्छे से तुम लोग अच्छी जगह पहुंच जाओगे, बट विच इज नॉट द केस। ठीक है, वाई? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कोडिंग एक्सटेंसिवली। काफी ज्यादा पढ़ाई करता था मैं, काफी ज्यादा। आई यूज्ड टू गिव ऑल माई टाइम टू प्रोग्रामिंग एंड दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू इट। रात में बैठता था, रात को चालू करता, सुबह तक बैठता था, एंड दिस इज हाउ आई वॉज एबल टू डू इट। इवन when द टाइम इट वॉज when आई वॉज लाइक डूइंग प्रैक्टिस एंड ऑल समथिंग, उस टाइम ना कोविड चल रहा था। अब बिकॉज ऑफ कोविड यू नो उस टाइम जब चालू हुआ था तब कॉलेज चल नहीं रहे थे एंड ये सब चीज हो रखी थी। तो मेरे पास ना काफी ज्यादा फुल फ्लेज टाइम था प्रिपरेशन के लिए। बट अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं 2 या 3 महीने में कैसे क्रैक करूं, मेरे पास इतना टाइम बचा है। तो गाइस, पहली बात तो ये जो चीज है, ये क्वेश्चन गलत है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि तुम लोग कितनी देर में एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहुंच सकते हो। द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से यू गाइज इज स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। बिकॉज जितना जल्दी तुम प्रैक्टिस करना चालू करोगे, जितना जल्दी तुम क्वेश्चन करना चाहोगे, यू विल बी साउंड इनफ व्हेन यू विल बी गिविंग योर इंटरव्यूज और योर टेस्ट। व्हाट आई डिड वाज अ लॉट ऑफ कोडिंग इन अ लेस नंबर ऑफ टाइम। लेकिन आई एम श्योर ये केस तुम लोगों के साथ नहीं होगा बिकॉज अब तुम्हारे कॉलेजेस चल रहे, जिन्होंने पैंडेमिक का फायदा उठाया वो लोग आज एक अच्छी जगह है। बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं जा सकते, जा हर कोई सकता है। द ओनली थिंग इज अबाउट टाइम। और अगर तुम एक बहुत अच्छे से टाइम दोगे तो तुम एक 6 महीने के अंदर यू कैन लैंड इनटू अ वेरी गुड कंपनी, व्हिच एवर कंपनी दैट यू वांट टू ट्राई। 6 महीने में तुम एक बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम जिस भी कंपनी में अप्लाई करोगे यू आर गोना गेट सेलेक्टेड, वेदर इट बी गूगल, वेदर इट बी फेसबुक, वेदर इट बी माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज 6 मंथ इज अ लॉट ऑफ टाइम। उसके अंदर तुम लोग DSA मास्टर कर सकते हो, यू कैन डू अ बिट ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एज वेल, यू कैन जस्ट मेक गुड प्रोजेक्ट्स टू अपार्ट फ्रॉम योर कोर CSE सब्जेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि कितने टाइम में हो सकता है। दी ओनली थिंग दैट आई वांट यू गाइस इज टू प्रैक्टिस। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक 2.5 मंथ का रोड मैप शेयर किया था, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे। ठीक है, तो पहले अपना कोर्स खत्म करो, 2.5 मंथ रोड मैप पे चलो। 2.5 महीने का मैंने बहुत अच्छा सा प्रोसेस बताया था कि तुम लोग जिसमें एक अच्छी कंपनी में लैंड कर सकते हो और वो बहुत अच्छा है। मैंने काफी एक्सटेंसिवली तुम लोगों को बताया था कितने नंबर ऑफ पेशेंस करने हैं, कितने घंटे पढ़ना है। अगर तुम लोग 6 से 8 घंटे रोज दिन का निकाल लोगे, 2.5 महीना बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2.5 मंथ्स मतलब कितना दिन हुआ, 75 into 8 300 hours। 300 hours ऑफ कोडिंग इज वे टू गुड। तुम लोग इतना कर लोगे, यू आर गोना लैंड इन अ वेरी गुड कंपनी, ट्रस्ट मी गाइस।
दिस इज अ टेस्टेड फॉर्मूला, आई हैव माय जूनियर्स हु हैव बीन टेस्टिंग दिस. चार पांच महीने उन्होंने फुल फ्लेज तैयारी की, ढाई महीने फॉलो किए, एंड दे आर नाउ इन वेरी गुड कंपनी. तो बस इस चीज पे फोकस करो कि तुम लोग प्रैक्टिस कितना कर सकते हो. इफ यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू कैन रिड्यूस दिस टाइम टू अबाउट 30 or 60 days. अगर तुम लोग ये बहुत स्लोली करोगे तो ये ढाई महीने का तुम लोग जो प्लान है, हो सकता है तुम्हें चार महीने लग जाए. सो इट इज पर्टिकुलरली फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये उनकी खुद की बेस पे कि वो लोग कैसे कैचअप करते हैं. तो इस चीज का कोई टाइम नहीं होता कि तुम्हें एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो क्या किया जाए. टाइम इस चीज का होता है कि तुम लोग प्रैक्टिस कितना करोगे. अगर तुम लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे, तुम जल्दी एक अच्छी कंपनी में पहुंच जाओगे. और अगर तुम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, टाइम लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, वेस्ट करोगे अपना टाइम, सक्सेस मिलेगी, तुम एक अच्छी कंपनी में जाओगे, बट हो सकता है थोड़ा टाइम लगे. बट ठीक है, दोनों ऐसे जा ही रहे हैं, बट जल्दी चल जाओ, बिकॉज तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इन गेटिंग अ वेरी गुड कंपनी. अगर तुम इस सब चीजों में फंसे रहोगे कि आराम आराम से करते ना, तुम एक लेट बहुत अच्छी जॉब मिलेगी जिसमें तुम एक बहुत अच्छी जॉब में लैंड कर सकते थे. अगर तुम जिंदगी के 4 to 5 months बहुत अच्छे से कोड कर लोगे, कहीं पे भी कुछ भी तुम्हारी मर्जी जैसे पढ़ना है, तुम्हें कोर्स लेके पढ़ना है कोर्स लेके पढ़ो, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करो, बट दोनों कैसे मेहनत मांगती है. कोर्स लोगे थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि सामने इंस्ट्रक्टर होगा तुम्हें पढ़ाने वाला, बट सेल्फ स्टडी खुद मेहनत करनी पड़ेगी. दोनों केसेस में प्रैक्टिस करनी पड़ रही. सो द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू क्रैक अ वेरी गुड कंपनी इज इफ यू आर गोना प्रैक्टिस क्वेश्चंस अ लॉट, इफ यू आर गोना प्रैक्टिस डीएसए अ लॉट, इफ यू आर गोइंग टू डू अ बिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विद अ मिक्सचर ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लैंड अप इन अ वेरी गुड कंपनी. तो इस चीज के बारे में सोचो कि तुम प्रैक्टिस में कितना डिवोट कर सकते हो. हो सकता है कि तुम लोग दिन का 12-13 घंटे निकाल सको. अगर तो 12-13 घंटे अगर तुम निकालोगे तो ऑब्वियसली तुम बहुत जल्दी समय में अच्छी जगह पहुंच सकते हो, विच आई डिड. मैंने अपना डीएसए कोर्स जब चालू किया था, मैंने 1 to 2 months का अपना टारगेट रखा, एंड देन आई वेंट ऑन टू लीड कोर्स. फिर मैंने थोड़ा कॉम्पिटेटिव चालू किया, ठीक है. लेकिन जब मेरा कॉम्पिटेटिव चालू हो गया था, तो मैं दिन के 14 to 15 घंटे देता था कोडिंग, मतलब बस वो ही करता था. बाहर जाना बंद, घर के बाहर जाना बंद, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड था, घर के बाहर निकल नहीं सकते थे. घर के बाहर जाना भी बंद था, घर के बाहर नहीं निकलता था मैं, सिर्फ कोडिंग. रात में जगता था, सुबह सो जाता था और कॉन्टेस्ट देता था. अगर तुम लोग सिर्फ प्रैक्टिस भी करोगे, कॉन्टेस्ट नहीं दोगे ना, तो तुम्हें कभी अपनी एक्चुअल रैंक पता नहीं चलेगी. अब वेदर इट बी लीड कोड, वेदर इट बी कोड शेफ, कोड फोर्सेस, कोड स्टूडियो, जहां पे भी तुम्हारा मन है वहां पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. बट अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू कि तुम कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने नए क्वेश्चंस देख रहे हो. पता ऐसा होता है, कई कई क्वेश्चंस हमें ऐसे हो जाते हैं जो रट जाते हैं, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को 10 बार कर रहे होते हैं, 20 बार कर रहे होते हैं. हमें वापस वो क्वेश्चन दिखता है, हम 21 बार वापस से ट्राई कर रहे होते हैं, बट हमें वो नहीं करना है. अगर तुम्हें पता है तो प्लीज मत देखो, जल्दी से आगे बढ़ जाओ. इन्वेस्ट योर टाइम इन अ न्यू क्वेश्चन, सो दैट व्हेनेवर अ न्यू क्वेश्चन कम्स अप, तुम एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हो नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के. तो हमेशा ये जो छोटी छोटी चीजें, इनके ऊपर ध्यान देते रहो कि क्या तुम कर सकते हो टू लैंड इन अ गुड कंपनी. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द कंपनीज हुज एट दैट हाइट. फेसबुक अगर तुम बात करोगे, गूगल अगर तुम बात करोगे, माइक्रोसॉफ्ट अगर तुम बात करोगे, इन कंपनी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है. इंटरव्यूअर उतनी ही क्वालिफाइड है, तुम भी उतनी ही पढ़ाई करके जाओगे. बस बात ये है टाइम की कि तुम कब जा रहे हो इंटरव्यू देने, कब जा रहे हो टेस्ट देने. आज अगर जाओगे, आज तुम प्रिपेयर्ड हो, आज लग जाएगी तुम्हारी नौकरी. अगर तुम धीरे धीरे करोगे, क्रॉल करोगे चीजें समझने में, तो नहीं कर पाओगे. इसके अलावा कभी भी चीजें सिर्फ देखनी नहीं है. अगर तुम पढ़ते भी हो, तो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि यार भैया मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूं पर भी मेरा नहीं हुआ एक अच्छी कंपनी में. फिर आप मुझे बता रहे हो कि 14 महीने मैंने सिर्फ यूट्यूब देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैंने कोडिंग क्वेश्चन नहीं किए. अगेन, देखना इज अ डिफरेंट थिंग, प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट करना इज अ डिफरेंट थिंग. तो अगर तुम ये सारी चीजों पे ध्यान दोगे कि तुम जो सीख रहे हो, जो तुम इम्बाइब कर रहे हो फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम एनीवन हु इज टेलिंग यू, एनीवन हु इज इंस्ट्रक्टिंग यू टू डू समथिंग, टू लर्न क्यूज़ और डू एनी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर,
अगर वो तुम्हें कुछ बता रहा है ना, तो सिर्फ उसके बताने से तुम्हारे अंदर वो वैल्यूज नहीं जा रही, मतलब इंफॉर्मेशन या जो भी है वो नहीं जा रहा है। वो जब जाएगा तुम्हें जब तुम उसको इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे रियल वर्ल्ड के अंदर, मतलब अपने कोड एडिटर पर। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते मैक्सिमम सवेरे क्वेश्चन है, तुमने मैक्सिमम सवेरे क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, तुमने क्या किया यूट्यूब देख लिया। यस चलो ये मान लो तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे, कोड स्टूडियो पे, तुमने 3 क्वेश्चन कर लिए, तुमने चौथा तुमसे चौथा हुआ नहीं, तुमने सोचा चौथे का ट्यूटोरियल देख ले, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लिया, तुमने बस वो देख के छोड़ दिया। अब क्योंकि वो तुमने देख के छोड़ा है, तुम्हें पता ही नहीं है नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा ना, तुम वापस से नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो जब भी तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है और तुम किसी चीज का सलूशन देखते हो, तो सलूशन देखने का मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे जाके देख लू, ठीक है। कभी भी यूट्यूब से देखना सलूशन इज अ गुड थिंग, बट इट इज अ बैड थिंग इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ना। हमने कोई नया चीज सीखा, हमने कोई हमारे से ऊपर जो हमारा डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी रेटिंग भी 1600 है, तुम सोचो 1700 का क्वेश्चन देख लो, तुमने 1700 रेटिंग का क्वेश्चन देखा बट 1700 रेटिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो हाउ विल यू ब्रीच योर लेवल? तो अपनी 1600 लेवल को ऊपर कैसे लेके जाओगे जब तुम सिर्फ उसको पढ़ रहे हो? तुम्हें वो पढ़ना नहीं है, उसके साथ साथ इंप्लीमेंट भी करना। ये काफी बार ना हमसे होता है, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई कॉन्टेस्ट देते हैं ना, तो हम लोग ये सोचते हैं सी हो गया, एबीसी हो गया, ठीक है डन है यार, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ, ठीक रैंक आ गई, 800 रैंक आ गई। हम ये नहीं सोचते क्या डी क्यों नहीं हुआ। जब तक तुम ये पॉइंट नहीं सोचोगे कि डी क्यों नहीं हुआ, क्या मेरे अंदर गलती थी, क्या मुझसे नहीं हुआ, क्या मुझसे सोचा नहीं सोचा गया, फिर तुम अगर ट्यूटोरियल भी देखते हो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते ना, तो दैट इज इक्वल, तुम देखो ही मत। पता है क्यों? क्योंकि आइडिया लगना और आइडिया को इंप्लीमेंट करना टू डिफरेंट थिंग्स। काफी बार तुम्हें होता है, तुम कोड फोर्सेस कोड स्टूडियो पे देखोगे, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर आर अबाउट द इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन टैग होता है उनका। अब इंप्लीमेंटेशन टैग का मतलब क्या होता है कि तुम्हें वो इंप्लीमेंट करनी है, तुम्हें आइडिया पता होगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ कैसे करना है, बट तुम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, दैट आर कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। तो काफी बार ये होता है कि बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है लेकिन तुम स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे होते हो कोड को, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं ये क्वेश्चन। मेरे साथ भी होता है, तुम लोगों के साथ भी होगा, जब तुम लोग कॉन्टेस्ट दोगे अ लॉट ऑफ टाइम्स आइडिया मन में होता है, टेस्ट केसेस पास कर रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द गिवन वैल्यूज या फिर ऑब्जेक्ट्स जो भी होता है, तुम उसको ना लिख नहीं पा रहे होते हो। यही केस आएगा। अब सोचो, अब तुमने यूट्यूब से कोई वीडियो देखा, बहुत इजी सलूशन था, तुम्हें समझ आ गया, लेकिन तुम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अब जब तुम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तुम सबमिट ही नहीं कर पाओगे, तो वेस्ट है ना। तुम सबके इक्वल हो जिनसे नहीं हुआ क्वेश्चन, क्या फर्क हुआ अगर तुमने पढ़ भी लिया? तो पढ़ना ही नहीं होता सब कुछ, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, यू हैव टू इंप्लीमेंट इट एज वेल। तो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जाना इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक चीज जो मुश्किल है, जो मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, दैट इज कि यार जो भी तुम लोग क्वेश्चन पूछते हैं बहाने हैं, इन बहानों से ना दूर हटके पता है क्या करना है। जितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना ये टाइम किससे पूछने में कि भैया इतने कर लिए, इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि देर आर मल्टीपल थिंग्स, देर आर मल्टीपल सोर्सेज, देर आर मल्टीपल वेज यू कैन प्रैक्टिस थिंग्स, देर आर मल्टीपल आंसर्स टू द क्वेश्चन कि हाउ डू आई गेट इनटू अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बट एवरी सिंगल वीडियो, एवरी सिंगल रिसोर्स बॉयल्स डाउन टू जस्ट वन वर्ड, इज दैट इज PRACTICE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस तुम लोग करोगे तुम लोग उतनी ही अच्छी कंपनी में जाओगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम लोग अभी अपने 20s में हो, तुम लोग एक अगर तुम्हारी रिदम बन जाएगी अभी, अगर तुम्हें समझ आ जाएगा और तुम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लोगे 5-6 महीने, पता है 5-6 महीने में तो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े पार्ट को ना अपनी लाइफ से हटा दोगे। वो कौन सी है? जब तुम लोग स्ट्रगल कर रहे होगे अपनी लाइफ में। काफी लोगों को तुम लोग ने देखा होगा कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छी कंपनी के लिए फाइट करने में। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर तुमसे 5-6 महीने पढ़ लोगे, तुम्हारी लाइफ के 6 महीने, 5 से 6 महीने, यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ वेरी गुड, क्योंकि 5-6 महीने इज इनफ टू गेट यू इन अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अनलेस एंड अंटिल
अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो फिर दिस इज अ इररिलेवेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फॉर दोज हु वांट टू प्रैक्टिस एंड दे विल. प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट. अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है नहीं हो. सो अ गुड लर्नर द वन हु विल प्रैक्टिस काफी ज्यादा, जो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है ना, द वन हु विल प्रैक्टिस मोर विल लैंड इनटू अ वेरी गुड कंपनी वेरी फास्ट. But one who's practicing at a very slow pace, it can take time. But I'm not saying this कि कोई अच्छी कंपनी में जाएगा ही नहीं. Even I had someone in from my team, I don't want to take his name. I talked to him. जब वो कॉलेज से पास आउट हुए तो उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिली. उन्होंने 3-4 साल पढ़ाई करी, फिर उन्होंने एक स्टार्टअप में काम किया. स्टार्टअप से ही went to Microsoft. ठीक है, टीयर 3 कॉलेज था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट इवेंचुअली ही लैंडेड इनटू माइक्रोसॉफ्ट. तो मेरा आंसर समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ. एवरीवन विल गेट इनटू अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. जिस भी कंपनी में तुम जाना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में एक बार तो उस कंपनी में घुसोगे, बट दैट टाइम. ठीक है, हो सकता है तुम्हें ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है तुम्हें 1-2 साल लगे, हो सकता है तुम लोग किसी अभी स्टार्टअप में काम करोगे फिर माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचे या गूगल में पहुंचे या फेसबुक में, जहां पे भी तुम्हारी मर्जी है. हो सकता है तुम अभी पहुंचो, डिपेंड्स ऑन यू. इसमें कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू इज यू. अगर तुम डिलीजेंटली 4-5 महीने पढ़ोगे, 6 महीने पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू मेक इट, यू आर गोइंग टू लैंड इन अ वेरी गुड कंपनी. मैं कहीं पे तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, या तुम्हारा कोई ट्यूटर तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, तुम्हारे को कोई कोर्स हेल्प नहीं करेगा अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो बस इसी एंथू के साथ, बस ये एनर्जी के साथ ना पढ़ते जाओ. ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन तुम अपना पहला स्टाइपेंड कमाओगे, पहली अर्निंग कमाओगे किसी भी कंपनी की, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. और जिस दिन ये होगा, जिस दिन तुम्हें पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चीजों की तुम्हारी लाइफ में, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, बिकॉज नाउ इट इज अ टाइम व्हेन यू गाइस शुड थिंक अबाउट योर करियर, टू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, मेक देम हैप्पी. तो बस अपनी लाइफ का ना एक छोटा सा पार्ट है, मतलब साल भी नहीं मांग रहा तुमसे, 5-6 महीने मांग रहा हूँ, जिसमें अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डेफिनेटली मेक द चेंज, ब्रिंग द चेंज, कैन डेफिनेटली लैंड इन टू व्हाटएवर कंपनी दैट यू वांट टू, एंड यू कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर मॉम एंड डैड. तो खुद की खुशी के लिए भी, घर वालों की खुशी के लिए भी, बस 5-6 महीने कर लो, पता है बहुत अच्छी जगह जा पहुंचोगे तुम, और ये सब आंसर क्लियर कर देगा. द ओनली वर्ड दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इज प्रैक्टिस. अगर ये करोगे डेफिनेटली यू आर गोना मेक. ठीक है, तो एज सच कोई टाइम नहीं है, पर्सन टू पर्सन है. तुम लोग जल्दी कर लो, मैं तो तुम्हें कह ही रहा हूँ, अभी से चालू कर लो प्रैक्टिस. फ्रॉम टुडे शेड्यूल बनाओ, रोड मैप्स मैं शेयर करता ही रहता हूँ कैसे करना है, कैसे क्या करना है. पढ़ा करो, देखा करो, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, वेयर एवर यू कैन. कुछ पूछना है कमेंट्स में तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, आई डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड अगर तुम्हें पसंद आया हो तो ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ अपना अपने दिल से बोल रहा हूँ, है ना, सो दैट यू गाइज कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट. मेरा इसके अंदर कोई पर्सनल मोटिव नहीं है. जितना अच्छे से करोगे यू आर गोइंग टू डू इट बेटर. हो सकता है तुम आज किसी भी कंपनी में जा सकते हो, मतलब कोई भी किसी भी कंपनी में जा सकता है, बस एक टाइम डिफरेंस है, कोई जल्दी जाए कोई बाद में. तो स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग, कीप डूइंग गुड वर्क, अच्छे से करते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू टेक्स्ट मी सम डे ऑन लिंक्डइन that only this word practice has made you reach this company. And I don't want you to give credits to anyone, because the only person who should be credited for getting yourself in a good company is definitely you, because you're the one who's practicing, right? तो ये सारी चीजें देखा करो, ये सारी चीजें सुना करो, जिससे तुम लोग एक अच्छी जगह जाओ. Practice करते रहो, trust me guys, you'll be at a very good place. Thank you. Signing off. Bye, guys.